दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक की डिटेल चोरी करके बैंक से पैसे भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में एक बहुत ही अजीबोगरीब फ्रॉड एंड स्कैम के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड आप इससे कैसे बचेंगे और किस तरह का फ्रॉड है, सो कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस वीडियो को वो लोग जरूर से जरूर देखें जिन लोगों ने अपनी लाइफ में या अभी गूगल क्रोम का यूज अपनी लाइफ में कर रहे हैं या करते आए हैं या कभी किया है, तो इस वीडियो को वो लोग जरूर कंप्लीट देखें। ओके, हो सकता है उनकी बैंक की डिटेल चोरी होने से बच जाए या उनके साथ फ्रॉड होने से बच जाए। ओके, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, बिल्कुल से शॉर्ट में रखने वाला हूँ। ओके, सो दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों बता देता हूँ। गूगल क्रोम में नए एंड्रॉयड मेलवेयर की पहचान की गई है जो एक साइबर हमले की के लिए जिम्मेदार है। यह एक इस तरह का फर्जी ऐप है जिससे कुछ ही हफ्तों में बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में डाउनलोड किया गया है एंड गूगल क्रोम ऐप को इस तरह से मॉडिफाइड किया गया है जो बैंक की डिटेल को चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है एंड इसका इस्तेमाल फोन फिशिंग के लिए किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी का फर्म में मॉडिफाई किया गया है। ओके, तो रिसर्चर जो होते हैं, जो मतलब साइबर सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं, तो उनके उनके हिसाब से ये पहचान में आया है कि ये सबमिसिंग के तौर पर कि इसकी लॉन्चिंग जो है सबमिसिंग के तौर पर की गई है एंड रिसर्चर के दावे के मुताबिक फर्जी गूगल क्रोम ऐप का इस्तेमाल मोबाइल के अटैक के लिए अटैक कैंपेन के लिए किया जा सकता है जो आपकी पर्सनल डिटेल जैसे क्रेडिट कार्ड एंड पासवर्ड चोरी एंड जो भी बैंक की डिटेल्स होती हैं। ओके, इसके साथ ही साइबर हमले को अंजाम दिया जा सकता है इसके जरिए, इस ऐप के जरिए। तो दोस्तों ये किस तरह का ऐप है इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। गूगल क्रोम का एक पैकेज, डिलीवरी पैकेज आपको भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गूगल क्रोम के जरिए एक मैसेज पैक डिलीवर होगा। ओके, एंड उसमें जैसे ही आप उसके जरिए पेमेंट करेंगे देन इसके बाद वो आपके पेमेंट मेथड को रिकॉर्ड कर लेगा एंड इसके बाद जब भी आप पासवर्ड फिलअप करेंगे वो पासवर्ड भी आपका चोरी कर लेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे बचना कैसे, तो दोस्तों आपको बता दें इससे बचना कैसे। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन पर इस तरह का अपडेट आता है तो आपको अपडेट पर नहीं क्लिक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा बट आपके फ़ोन में एक गुप्त ऐप इंस्टॉल कर दिया जाएगा देन उसके ज़रिए ही आपको बहुत सारे SMS भेजेंगे, कम से कम 2000 तक। इस इतने मैसेज भेजने के बाद में उन मैसेज का यूज होगा आगे आपके फ़ोन को हैक करने में या आपके फ़ोन को पूरी तरह से डिटेल्स चोरी करने में। तो दोस्तों इनसे बहुत ही ज़्यादा बचने के लिए आपको बस क्या करना है, कभी भी गूगल्स या गूगल क्रोम के जरिए किसी भी ऐप को ना ही इंस्टॉल करना है एंड ना ही आपको अपडेट करना है। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही अपने ऐप को इंस्टॉल करना है एंड एप्पल स्टोर से या ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो दो तीन हैं, जो दो तीन जरिया है जो ऐप इंस्टॉल करने का, वो एकदम से ऑफिशियल है, इसमें कोई भी हैक होने का चांस नहीं बनता है। ओके, तो मेरी एडवाइस है एंड रिसर्चर्स की जो एडवाइस है वो यही एडवाइस है कि गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें बट बहुत ही सावधानी के साथ। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन हैक है तो इसकी
लिए मैंने आपको आपके लिए एक वीडियो बना रखी है। तो ऊपर आई बटन पे जाइए, वहाँ पे वीडियो क्लिक करके देखिए, एंड इसके एंड में ही एक या दो वीडियो मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच करके अपने आप फ़ोन को अनहैक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, ओके।